नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 3 वर्सेस टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियान का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर 3 में 6.81 इंच जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है जो कि पोवर 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवर 3 में 3.09 इंच जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है जो कि पोवर 3 से कम है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवर 3 में 6.9 इंचेस जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवर 3 में 83.43% जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 88.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवर 3 में 389 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवर 3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 19 प्रो मोंड्रियान की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवर 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 19 प्रो मोंड्रियान की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवर 3 में माली G52 MC2 जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवर 3 में मीडियाटेक हीलियो G88 और 19 प्रो मोंड्रियान में मीडियाटेक हीलियो G96 मिलता है। बात करें रैम की तो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवर 3 में अप टू 512GB जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पोवर 3 में एंड्रॉइड V11 जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी पोवर 3 में 7000mAh जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो पोवर 3 में 3 कलर्स जबकि 19 प्रो मोंड्रियान में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवर 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें की 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,390 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें 19 प्रो मोंड्रियान की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवर 3 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियान की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 19 प्रो मोंड्रियान आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 19 प्रो मोंड्रियान आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 8T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।